हिंदू धर्म के चार धामों में से एक द्वारका धाम को तो आप सभी जानते होंगे, जिसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी गुजरात के कठियावाड़ा क्षेत्र में अरब सागर के समीप स्थित है। द्वारका नगरी भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही बसाई गई थी। ऐसे में सभी के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि वो नगरी समुद्र में कैसे डूब सकती है, जिसे खुद भगवान ने बसाया था, और कैसे समुद्र में भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी मिली थी। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि जब जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा वृंदावन को छोड़कर चले गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका का निर्माण विश्वकर्मा के हाथों से करवाया था। द्वारका नगरी का निर्माण करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों के साथ इसी नगर में अपना बसेरा बनाया था, और यही द्वारका नगरी भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि मानी जाती है, जिस पर उन्होंने 36 वर्षों तक शासन किया। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया था, उसके बाद कंस के ससुर जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण और यदुवंशियों को खत्म करने की कसम खाई थी, जिसके बाद जरासंध आए दिन मथुरा पर हमला करता रहता था। जरासंध ने मथुरा पर एक बार या दो बार नहीं बल्कि 17 बार हमला किया था, जिसके बाद पूरे मथुरावासी उनके हमले से परेशान हो गए थे। यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण भी चिंतित हो गए थे, और मथुरा की रक्षा के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर वृंदावन जाने का फैसला किया था। मथुरा छोड़कर वृंदावन जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने खुद समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई थी, जिसे द्वारका नगरी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी, और इसका पता लोगों को तब चला जब साल 1983 में आर्कियोलॉजिस्ट की टीम गुजरात के समीप अरब सागर में छानबीन कर रही थी। 130 फीट नीचे जाने के बाद उन्हें कुछ ऐसा मिला था जिसे देखने के बाद वे लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि उस समुद्र के नीचे पूरी की पूरी द्वारका नगरी समाई हुई थी। इस भव्य और सुंदर द्वारका नगरी को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट के होश उड़ गए थे। वो सोचने पर मजबूर हो गए थे, आखिर कैसे एक बहुत अच्छे तरह से बनाया गया पूरा शहर समुद्र में समा सकता है। जब इस महल की जांच पड़ताल की गई, तब पता चला कि महल में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था वो महाभारत काल के थे। जब पूरी जांच पड़ताल हुई, तब पता चला कि ये महल और कोई नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी है। समुद्र में उस समय इस द्वारका नदी का पता तो चल गया था, लेकिन लोगों के मन में अभी भी हलचल मची हुई थी कि आखिर कैसे द्वारका नगरी समुद्र में समाई थी। इसके पीछे का कारण श्राप को बताया जाता है। दरअसल जब महाभारत में पांडवों की विजय हुई और कौरवों का नाश, जिसके बाद युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था, उस समय वहां पर भगवान श्री कृष्ण भी मौजूद थे। तब गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और पत्नी व्रता धर्म निभाया है, तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है उसी तरह तुम्हारे कुल का भी नाश होगा, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। गांधारी के इसी श्राप की वजह से आज भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। पौराणिक कथाओं के अनुसार कई ऐसे श्राप भगवान श्री कृष्ण को दिए गए थे, जिसकी वजह से उनकी द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। वहीं जैसा कि हमने आपको बताया कि माता गांधारी के दिए गए श्राप की वजह से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बनाई गई नगरी समुद्र में डूब गई थी। इसके साथ ही आप सभी को बता दें कि आज द्वारका को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक द्वारका और दूसरा बेट द्वारका। द्वारका जो समुद्र के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा शहर है, वही बेट द्वारका अरब सागर के बीच बसा एक द्वीप। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार द्वारका वो स्थान था जहां भगवान कृष्ण का राजमहल था, जबकि बेट द्वारका उनके आवासीय महल का स्थान था। वैसे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करके हमारे चैनल द लॉलीपॉप को सब्सक्राइब जरूर करें। बगल में लगा बेल आइकन भी जरूर दबा लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।